फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग इंडिया और सब कॉन्टिनेंट का पार्ट 6 बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ हिमालयाज डिस्कस करते थे, यार इसमें भी पार्ट्स ऑफ हिमालयाज डिस्कस कर रहे थे, ये क्या चक्कर है। देखो, बेसिकली उस वीडियो में हमने आपको तीन पार्ट्स बताए थे हिमालयाज के, होते पांच है। ध्यान से सुनो, एक बात सुनो, आराम से सुनो, होते पांच है लेकिन इन दो को हिमालयस में कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन पढ़ना इन्हें भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इससे भी एनटीएससी में रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट एनटीएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम देते हो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होती है हमारी, उसमें भी ये बहुत बार आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब दो मैंने बोला था हम दो पार्ट्स और पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालयस और पूर्वांचल या रेंज या फिर ईस्टर्न हिल्स जिसे कहते हैं, ये हम लोग और पढ़ने वाले थे। और इस वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। अभी तक हम लोगों ने हिमालयस का जो है वो रीजनल डिवीजन डिस्कस नहीं किया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। तो पहले ट्रांस हिमालयस और पूर्वांचल रेंज को देख लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ट्रांस हिमालयस हिमालयस का पार्ट नहीं है, देखते हैं। दीज आर टुवार्ड्स द साउथ ऑफ ग्रेट हिमालयस, ये हो गए हमारे ग्रेट हिमालयस और इनके साउथ में होते हैं हमारे ट्रांस हिमालयस। जो भी पार्ट है सारे ही साउथ में है यार। देन इनका जो डायरेक्शन है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था वेस्ट से ईस्ट, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ठीक है, इनकी एवरेज हाइट है हमारी 3000 मीटर, इनकी एवरेज हाइट है अबोव द सी लेवल। इनकी जो मेन माउंटेन रेंज है वो है जस्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम रेंज, ये इनकी मेन जो माउंटेन रेंजेस है वो है लद्दाख, जस्कर, काराकोरम और कैलाश रेंज, ये हमारे पास ट्रांस हिमालयस की रेंजेस है। ये जो काराकोरम रेंज है ये अब इंडिया और अफगानिस्तान की काराकोरम रेंज, देख काराकोरम रेंज कहाँ कहाँ स्थित है पहले देख लो। यहां से ये अफगानिस्तान, यहाँ पे अपनी बाउंड्री अफगानिस्तान शेयर कर रहा है, यहाँ पे चाइना भी अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, किसके साथ, इंडिया के साथ। तो काराकोरम रेंज इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान तीनों की क्या है बाउंड्री पे स्थित है। और आगे देखते हैं, ये जो ट्रांस हिमालयाज है वो हिमालयाज का पार्ट नहीं है, ये हिमालयाज का पार्ट नहीं है। कौन, ट्रांस हिमालयाज, पहले भी बोला था। तो ये हो गए हमारे ट्रांस हिमालयाज। आगे बढ़ेंगे तो ये आ गए हमारे पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज जो कि मिजोरम साइड में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था आपको कि ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है तो डेफिनेटली सी बात है वहां के जो बेसिकली हिमालयाज होंगे तो उन्हें बोलता है पूर्वांचल, पूर्व ईस्ट आंचल पर्वत, पूर्वांचल। इसके हर एक वर्ड में एक है ना मीनिंग छुपा रहता है, जैसे पूर्व वांचल मतलब पूर्व की तरफ जो पर्वत है उन्हें पूर्वांचल बोलेंगे। हिमालयाज, हिम से जो ढका हुआ हो, बर्फ से ढका हुआ हो, उन्हें हिमालयाज बोलेंगे। तो इस तरीके से फिलहाल तो आप लोग वोकैबुलरी वगैरह सुधारने नहीं आए हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं। दीज माउंटेन्स आर सीरीज ऑफ लो हिल्स रनिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ टू इन अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ एंड मिजोरम इन द साउथ।
अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ एंड मिजोरम इन द साउथ। ये हो गए हमारे पूर्वांचल, मतलब ईस्टर्न हिमालयस। क्या? ईस्टर्न हिमालयस। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न हिल्स है, हिल्स। अब पहाड़ और हिल्स में फर्क तो होता है, हिल्स छोटे होते हैं भाई। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी जो हाइट है तो डिस्कस क्या करें अब। इनके ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो हिल्स है वो रफ है, फास्ट मूविंग और वेरी थिक फॉरेस्ट पे ढकी हुई है, पूरी ढकी हुई है। ये जो हिल्स है पूरी ढकी हुई है, कैसे? वेरी थिक फॉरेस्ट से यहाँ पे ढकी हुई है। बेसिकली इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं इन हिमालयाज में, जैसे सैंडस्टोन। सैंडस्टोन अपने आप में एक सेडिमेंट्री रॉक है, और इन हिमालयाज में हमारे सेडिमेंट्री रॉक मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं वापस। यहां से ये तो हो गए हमारे ट्रांस हिमालयाज। पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे ट्रांस हिमालयाज, और ये हमारे पास हो गए, ये नागा हिल्स वगैरह हो गई, ये हो गई हमारे पास पूर्वांचल, और ये हो गए हमारे ट्रांस हिमालयस। TH में शॉर्ट में लिख रही हूँ वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस, रीजनल डिवीजन में हिमालयस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली इनका नाम अब थोड़ा थोड़ा कंट्री या स्टेट के ऊपर रखा गया है। इन्हें डिवाइड किस आधार पर किया गया है? नदियों के हिसाब से। कौन सी नदी के बीच में, जैसे कौन सी नदी के बीच में, कौन सी नदी के बीच में कौन से हिमालयस पड़ रहा है तो उन हिमालयस को क्या बोलेंगे, कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालयस पड़ रहा है उन हिमालयस को क्या बोलेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे हिमालयस को रीजनल डिवीजन हिमालयस के रिवर के बेसिस पे किए गए हैं। हिमालयस को फोर रीजन में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली। रिवर वैली के आधार पर हिमालयस को फोर रीजन पर डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा पंजाब हिमालयस, दूसरा है हमारा कुमन हिमालयस, और नेपाल हिमालयस, और असम हिमालयस। ये सारे हमारे हिमालयस हैं, जो चार बेसिकली रीजनल डिवीजन की बात करेंगे अब हम लोग। तो जो पंजाब हिमालयस हैं, ये इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में होते हैं। इंडस रिवर एंड देन यहां से इसी की ट्रिब्यूटरी है सतलज, तो यहाँ से ऐसे सतलज, इनके बीच में जो हिमालयस पड़ेंगे बेसिकली उन्हें बोलेंगे हम लोग इंडस, सॉरी मैं कहाँ बता रही हूँ आपको, इंडस और सतलज के बीच में जो यहाँ पे इंडिया में भी तो है इंडस, इन इंडस एंड देन सतलज के बीच में जो हमारे पास हिमालयस पड़ेंगे उन्हें हम बेसिकली बोलेंगे पंजाब हिमालयस। यहां से देख लीजिए ये, और यहां से ये बेसिकली यहाँ कौन सा पार्ट हो रहा है, ये पंजाब वाला पार्ट है। कौन सा? पंजाब वाला पार्ट है। तो स्टेट के आधार पर अगर हम लोग इसे देखें तो ये पंजाब हिमालयस कहलाएंगे, जो जो इंडस और सतलज के बीच में जो जो हिमालयस बनेंगे। इनकी बेसिकली डिस्टेंस है 560 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 560 किलोमीटर। इसका जो मेजर पार्ट है वो जम्मू कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है। इसका जो मेजर जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर एंड देन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, क्योंकि ये इंडस रिवर हो गई, यहीं से ये सतलज निकल गई। तो बेसिकली इसका जो मेन पार्ट है या मेजर पार्ट बोल सकते हैं अपन लोग, वो जम्मू कश्मीर, जेके एंड यहाँ पे हमारे पास ये हो गया हिमाचल प्रदेश HP। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, द मेजर पार्ट लाइज इन, ये तो हो गया ना, द मेन रेंजेस इंक्लूडिंग काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज लद्दाख पर जस्करी किसके बताई थी मैंने, ट्रांस हिमालयस की, वो रीजनल डिवीजन नहीं थे। ये रीजनल डिवीजन की बात करेंगे अब हम लोग। तो रीजनल डिवीजन में बात करें तो हमारे पास जो मेन रेंजेस आ जाती है वो होती है काराकोरम, लद्दाख, पिरपंजार, जस्कर और दौलाधार। ये हमारी मेन रेंजेस आ जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, तीन तो यही मिल गए अपन को। तो ये बेसिकली पंजाब हिमालयस की मेन रेंजेस हैं। अब सेकंड बात करते हैं कुमन हिमालयस की, कुमाऊं हिमालयस।
ये जो हिमालयाज है ये सेकेंड नंबर पे रीजनल डिवीजन में आते हैं। तो ये जो हिमालयाज है बेसिकली ये सतलज रिवर और काली रिवर रिवर के बीच में पड़ते हैं। सतलज रिवर यहाँ से, ये सतलज और यहाँ काली, इनके बीच में जो जो यहाँ पे हमारे पास हिमालयास पड़ेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे कुमाऊँ हिमालयास। ये जो हिमालयाज है इनकी बेसिकली डिस्टेंस है वो है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320। इसकी कितनी थी? 560। इसकी 320। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड गढ़वाल, द हिमन ईस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड कुमाऊँ। अब देखो इसके जो वेस्टर्न पार्ट होता है, जो वेस्टर्न डायरेक्शंस बता देते मैं आपको, यहाँ पे ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा वेस्ट होगा, ये हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा साउथ होगा। तो वेस्टर्न पार्ट के, इसके वेस्टर्न पार्ट को हम लोग बोलेंगे जो काली सतलज और काली रिवर के बीच में जो होते हैं उन्हें कुमाऊँ हिमालयस बोलते हैं। और बेसिकली इसके वेस्टर्न पार्ट को यहाँ बोलेंगे गढ़वाल और ईस्टर्न पार्ट को हम लोग बोलेंगे कुमाऊँ। ठीक है, बेसिकली कितने कितना डिस्टेंस है इनका? 320 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे तो देर आर मैनी पीक्स अंडर परमानेंट स्नो। अब मतलब इसकी जो बहुत सारी पीक्स है जो थ्रू आउट ईयर परमानेंट स्नो में रहती, मतलब स्नो में रहती है थ्रू आउट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे द सोर्स ऑफ गंगा यमुना रिवर इज इन कुमाऊँ रीजन। बात कर रही है सोर्स ऑफ गंगा और यमुना, सोर्स ऑफ गंगा एंड यमुना जो है बेसिकली हमारे पास कुमाऊँ रीजन में है। अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो गंगा और यमुना का जो सोर्स है वो कौन से रीजन में है हिमालयास के, तो वो कौन से होगा रीजन? कुमाऊँ हिमालयास। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यही खत्म हो जाता है ये हिमालयास। अब बात करते हैं नेपाल हिमालयास की। नेपाल हिमालयास की बात करेंगे, इस ये जो है वो काली और तिस्ता रिवर, काली रिवर एंड तिस्ता रिवर के बीच में जो जो हिमालयास पड़ते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालयास। ठीक है, बेसिकली काली एंड तिस्ता रिवर के बीच में जो जो हिमालयास पड़ेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे नेपाल हिमालयास। फॉर इट डिस्टेंस अबाउट 800 किलोमीटर, और इनका इनका जो डिस्टेंस है वो है 800 किलोमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 800 किलोमीटर बेसिकली। ठीक है, काली तिस्ता रिवर एंड फिर आ जाएगा तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसकी सीरीज याद कर लीजिए आप, सबसे पहले इंडस एंड सतलज, इंडस सतलज, सतलज काली, फिर काली तिस्ता, तिस्ता फिर ब्रह्मपुत्र, ऐसे करके ये हमारे पास रिवर हो गई। इंडस सतलज के बीच में जो पड़ते हैं उन्हें पंजाब हिमालयस बोलते हैं, सतलज काली के बीच में कुमाऊँ हिमालयस, काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारे हो जाते हैं असम हिमालयस, असम वैली भी बोलते हैं जिसे। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालयस, सतलज से काली के बीच में कुमाऊँ हिमालयस, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालयस, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालयस। तो नेपाल हिमालयस की हम लोगों ने डिस्टेंस देखी थी वो जो की थी 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। इसका जो ये जो यहाँ पे इसके टाले सेक्शन ऑफ हिमालयस है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हिमालयस का जो टालेस्ट सेक्शन है, टॉलेस्ट जो सेक्शन है वो कौन से हिमालयस, कौन से रीजन के अंडर में आता है? तो वो है नेपाल हिमालयस। काठमांडू यहाँ की फेमस वैली है, काठमांडू यहाँ पे है जो इसकी यहाँ की फेमस वैली है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे असम हिमालयस। ये जो असम हिमालयस है ये तिस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में होते हैं। इनकी बेसिकली जो डिस्टेंस होती है वो होती है 750 किलोमीटर, 715 किलोमीटर होती है। और इसका जो मोस्टली पार्ट है वो है सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया हमारा सिक्किम, ये हो गया असम, और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो मोस्टली इन हिमालयस को जो पार्ट है वो इन तीन स्टेट में
होता है, जिस मेजर पार्ट की बात करेंगे हम, मेजर पार्ट इसका कौन कौन से होता है, सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश में। तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ये जो हिमालयाज होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। अभी तो इनकी बहुत सारी वैलीज वगैरह हैं जो मैंने पहले भी कहा था, अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।